महंगी महंगी पेस्ट बहन चिकनी माटी से धोती थी सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए कितनी प्यारी शाम है, सारे पेड़ कितने ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। अब ऋषिकेश में रोज़ मौसम बदलने लगा है, ठंडा मौसम होने लगा है और रोज़ ही घूमने का मन करता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और हम तो अभी बस कुछ खाते हैं और निकलते हैं। आप देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं ये, और हम घूमने के लिए निकलने वाले हैं और आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। उससे पहले कुछ बनाते हैं, खाते हैं, फिर निकलते हैं, क्योंकि घर आते आते मुझे रात हो जाती है, मैं गंगा जी पर होकर आती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ एक हेल्दी सैलेड। वो सैलेड क्या है ये अब आप देखिए। ये मैंने लिया सफ़ेद लोबिया, इसको मैं कुकर में डालूंगी और सीटी दिलवाऊंगी। सीटी मैंने इसकी दिलवा ली है, ये उबल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई कुछ सब्जियाँ जो मैंने काट ली हैं। मैंने टमाटर काटा है, प्याज काटा है और शिमला मिर्च काटी है, और एक कटोरी में मैंने लिया है नींबू का रस, जो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। चलिए जी शुरू करते हैं सैलेड बनाना। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें खीरा, फिर डाला है टमाटर और फिर डाला है मैंने प्याज। अब डालते हैं इसमें लाइट मसाले, हल्का सा मैंने डाला है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। ऊपर से अब मैं डाल दूंगी नींबू का रस, और आप देख सकते हैं ये कितनी चटपटी सैलेड है। इसको आप खाइए, रोटी को स्किप कर दीजिए, इसको प्लेट भरकर खाइए, ये बहुत हेल्दी होती है। ज़रूर इसको खाइएगा और इन्जॉय करिए। अब मैं निकल चुकी हूँ घर से। घर से बाहर निकलते ही मुझे गौ माता के दर्शन हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे कान्हा जी की गौ हैं, और कान्हा जी आगे आकर खड़े हुए हैं, ऐसे पेड़ के नीचे खड़ी हुई है जैसे कान्हा जी गौ माता के साथ खड़े होते हैं। जय गौ माता की। बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे गौ माता को खड़े देखकर। मुझे एकदम ऐसी फील आ रही है कि कृष्णा जी भी सामने खड़े हैं। और ये आप देखिए, ये अमरूद का पेड़ है और अमरूद लगे हुए हैं, और मैं इनको अभी तोड़ूंगी भी। अभी मैंने देखे हैं लेकिन वापसी में आकर इसको तोड़ूंगी, अभी मेरे को लेट हो रहा है। अब निकलते हैं और आपको अपने साथ साथ ले चलते हैं। चलिए जी आइए। चलो हम निकल गए हैं, रास्तों के नज़ारे देखते जा रहे हैं। ये देखो खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है, और ये जो बगुले हैं इतनी मस्ती कर रहे हैं, और ये ट्रैक्टर के साथ साथ इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। और मैं तो इनको बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। आप देखिए ये कैसे इसके आगे पीछे पीछे ये घूम रहे हैं, और मैं तो इनको ही बहुत देखती रहती हूँ। जब भी निकलती हूँ तो मुझे ये दिखते रहते हैं। और ये देखो भैया को जामुन बेच रहे, कैसे आवाज लगा लगा कर। ले लो जामुन, जामुन ले लो जामुन। अब मैं निकल गई हूँ घर से वॉक के लिए और माँ गंगा पे जाने के लिए, और मैं जा रही हूँ आस्था पथ से रोड की तरफ से, सीढ़ियों से नीचे उतर के मैं आस्था पथ पर पहुँचूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ, आस्था पथ रोड से भी आ जाता है सीढ़ियाँ उतर कर। और ये मैं ऊपर पेड़ों को हाथ लगा लगा कर देख रही हूँ, इन पे जामुन लगे हुए हैं लेकिन मेरा हाथ नहीं जा रहा है। मैं इनको तोड़ने की फुल कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं इनको नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि ये काफ़ी ऊँचे पेड़ थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मेरे हाथ में आ जाए, पर नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, कहीं और से ढूंढेंगे, लेकिन मैं तोड़ूंगी जरूर, जामुन का सीजन भी है। बस वॉक के लिए लोग निकलना शुरू हो गए हैं, शाम हो गई है। गंगा जी बिल्कुल सीढ़ी तक आई हुई है, सीढ़ी के ऊपर ही चढ़ने वाला है जल पूरा। सारी ना ऊपर ऐसे फॉग सी आई हुई है, ऐसे देखो सामने पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं क्या है ये, धुआं है, पोल्यूशन है, पता नहीं क्या है। ये बारिश आएगी तो अच्छे से मौसम खुलेगा। फूल देखो कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं गंगा किनारे, कितना अच्छा लग रहा है इनको देखना, कितने सुंदर खिले हुए हैं ये फूल। कलियां भी निकल रही हैं इनकी छोटी छोटी सी,
ये फूल निकलेंगे सारे, ये देखो ये सब कलियाँ निकल रही है। डस्टबिन लगाए हुए हैं जगह जगह में, फिर भी लोग गंद फेंक देते हैं नीचे। नहीं नहीं ये लाइट्स लगी हैं सारी। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, लोग इसके नीचे आराम कर रहे हैं। अब बारिशें नहीं हो रही हैं, रुक गई है ऋषिकेश में, अभी मॉनसून आया नहीं है, तो गंगा ये अब धीरे धीरे बह रही हैं। बीच में से तो ऐसे हो गया था, पूछो मत, ऐसे पूरे उफान पे थी गंगा मैया, अब धीरे धीरे बह रही हैं। जलस्तर बढ़ा हुआ है लेकिन धीरे धीरे बह रही हैं आराम से। सामने मैंने देखा है एक लड़का गिटार बजा रहा है, तो चलिए उसके पास चलते हैं और उनका गाना सुनते हैं। आज ऋषिकेश का मौसम बिल्कुल खुला खुला है, धूप निकली हुई है। पिछले कई दिनों से इतनी बारिश आई थी, जैसे लगता था कभी धूप नहीं निकलेगी और ठंड लगने लग गई थी, और आज फिर धूप निकली है। पीछे देख सकते हैं माँ गंगा का जल है तो मैला, लेकिन पहले से फ्लो कम है, लेकिन अभी भी ये इसको हम फ्लो तेज ही बोलेंगे, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ऐसे लग रहा था पूरी बाढ़ आ गई है, तो खुल गया है बिल्कुल, धूप निकल आई है। फिर पता नहीं कब बरस जाए, यहाँ पता नहीं चलता, क्या सुबह ऐसे लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन अभी ऐसा है कि फुल धूप निकली हुई है। 6 बजे हैं शाम के और कितना दिन है, पीछे पहाड़ों पे धूप है, शाम का समय है, अपना जा रहे हैं। गर्मी तो लग रही है पर कोई बात नहीं, रोज़ कभी कैसा मौसम रहता है कभी कैसा रहता है, तो हर मौसम का आनंद लेते हैं, निकलते हैं चलते हैं। इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते चलो बढ़ते चलो आगे और जीवन का आनंद लेते चलो, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। से माँ गंगा चलती रहती है हर समय, से हमें भी बहते रहना है ऐसे ही जीवन में। पेड़ देखो कितने हरे भरे हो गए हैं, सारे हरे भरे हो गए पेड़, पीछे देखो। थोड़ी थोड़ी सी हवा लग रही है और गर्मी बड़ी लग रही है। अब गंगा माँ का किनारा है ना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी हवा फील हो रही है। गंगा मैया के साथ साथ जाते हैं तो गर्मी कम लगती है, रोड से जाओ तो ट्रैफिक फुल पोल्यूशन वहाँ पे रहता है तो गर्मी बढ़ जाती है। हाँ हल्की हल्की ना, दो दो मिनट में ना ऐसी ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है, क्योंकि गंगा मैया की लहरें हैं। देखो आवाज़ सुनो, लहरा रही हैं, चलती जा रही हैं, शोर मचाती हुई, गुनगुनाती हुई अपनी लहरों के शोर से। और सुनो एक मिनट इसको आँखें बंद कर, कितना अच्छा लग रहा है, कोई और आवाज़ नहीं है, गंगा मैया की आवाज़ है सिर्फ। दूर तक जाया रही है गंगा मैया, आनंद आनंद आनंद। देखो इतने ऊपर भी कैफे बने हुए हैं, इधर गंगा मैया और ये देखो कैफे, देखो ऊपर गंगा व्यू है, यहाँ लोग आते हैं रूम लेते हैं और यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, चाय कॉफ़ी का।
चेयर्स लगी हुई है वहाँ, देखो ये देखो चेयर लगी हुई है, किड़ी को देखो तोड़ रही है, ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए पौधे। किस चीज का पौधा है ये? क्या ये पौधा किस चीज का है? एक जंगल है। अच्छा, इसका कोई नाम गाम नहीं। अच्छा, तो ये उग जाते हैं ये दोबारा उगाओ तो? अच्छा, तो डंडी का क्या उगाओगे? दातु नहीं है? दातुन करेंगे। अच्छा होता है ये? अच्छा, में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे साफ नहीं लगता। पर ऐसा है ना कि वो नीम का दातुन करना चाहिए ना, नीम की। अरे हाँ, नीम के कहाँ करते रहेंगे, हम सब दिन यही करते हैं। हमें कड़वा होता है नीम का, पर कहते हैं ये होता है जिसका दांत में दर्द होता है। पर इसका कोई नाम, दांतों का दर्द भी ठीक हो जाता है ये? जय बाबा। ठीक है, देखूंगी मैं भी इसको करके। बच्चे का देखो साइकिल चला रहा है, ये मैंने लिया उनसे, बस देखूंगी करके कैसा लगता है। पेस्ट तो बहुत महंगी आती है, ये होती है, हमें ये देसी चीजें ही करनी चाहिए। इनका कोई ध्यान नहीं देता कि इनसे भी कितना फायदा है, हो जाता है, लेकिन बस महंगी महंगी शैम्पू, महंगी महंगी पेस्ट। चिकनी माटी से धोती थी सर, हाँ सर ठंडा रहते रहा। अच्छा, चिकनी माटी से? हाँ, चिकनी माटी पहले के लोग, पहले के लोग सरफ सोडा से कपड़े धोते थे, आजकल पता नहीं कैसे कैसे धरती में जो नूनी लग जाते तो ये सोडा जो होता है वैसे वैसे ऊपर में लग जाती, उसको हमारे यहाँ धोबी जो होता है। हमें भी याद है, हम वो साबुन की टिकिया से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली से है वैसे तो। सही अभी, बात बताना कहाँ? अभी हम ऋषिकेश में है वैसे, दिल्ली है से। तो ऋषिकेश में, लेकिन दिल्ली रहने दिल्ली दिल्ली से दिल्ली है क्या? दिल्ली क्या है, ऋषिकेश क्या है, बॉम्बे कहाँ है, मद्रास कहाँ है, सब तरह का आदमी सब तरह जाके बसी है। हाँ, अपना जमीन मिल गया, अपना खरीद लिया, अपना पैसा हुआ, अपना बना लिया, रह गया और कि कहीं भी रह लिया, अच्छा लगा तो रह गया। सही कह रहे हो, लेकिन अपना अपना भाषा तो कोई भूलता नहीं। ना ना ना, भूलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्यों भूलना अपनी मातृभाषा, जहाँ हमारी जो जन्मभूमि है, भाषा वो बोलो, लेकिन अपने भाषा, अपनी भाषा को चेंज मत करो, भूलो। हम जो है हमें वही होना चाहिए, हम जो है हमें वही दिखाना चाहिए, कभी भी अपने आप को बनावटी मत बनाओ। पेड़ लगाया जा रहा है गंगा के किनारे, बड़ा हो जाएगा, सबको ठंडी छाया देगा। एक पेड़ यहाँ भी लगाया है, ये देखो सब जमीनों को खोदा है और लगाया है। एक और हर जगह, ये देखो देखा, मैं शाम की आई हुई थी गंगा किनारे, बैठे बैठे रात हो गई है और आप देख सकते हैं सब लोग कितना गंगा में एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आरती भी कंप्लीट होने वाली थी और भजन भी चल रहे थे। संध्या हो गई है, दीपक जल गए हैं, अब हम भी निकलते हैं घर की ओर। गंगा मैया पे आती हूँ मैं शाम को, और अब रात भी हो गई है, दर्शन भी कर लिए अच्छे से गंगा मैया के, तब निकलते हैं। आवाज़ सुनो, ची ची कर रही है चिड़ियाएँ, ये देखो इसमें बैठे हैं नंदी महाराज।
आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरे और व्लॉग्स देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं और उसको क्लिक करें जिसका नाम है गंगा और हम, और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय गंगे मैया, जय माँ गंगे, जय गंगे।